घर पे कोई है? घर पे कोई है? टिकट लेनी पड़ेगी पहले। मैं गुरप्रीत स्वागत करता हूं आपका नए व्लॉग में फ्रॉम सज्जनगढ़। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल है? होप आपसे बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो अभी मैं आ चुके हैं सज्जनगढ़, यहां पे मैं बाइक की पे वेट कर रहा हूं और वो गए हैं वहां पे टिकट लेने, क्योंकि पहले मैंने उनको कहा था कि मैं अंदर चल जाता हूँ, वो टिकट लेके आ जाएंगे, मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं, आप बाहर ही वेट कर लो, वो टिकट लेके आ जाए, फिर आप एक साथ अंदर चल जाना। सो अभी मैं उनका वेट कर रहा हूँ, आराम से हम बैठे हैं। सज्जनगढ़ बेसिकली ये फेमस है, एक ऊपर बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जाके वहाँ पे एक फोर्ट टाइप का बनाया हुआ, और वहाँ से जो सनसेट का पॉइंट है वो सबसे यहाँ पे बेस्ट है। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास सारी एसेसरीज भी हैं, तो चलते हैं वहाँ पे सनसेट को कैप्चर करेंगे अच्छे से। बाकी एज सच अभी तक सब सही चल रहा है। बाकी मेरे को एक दिक्कत है, मेरे जो बाइक का टायर है वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ एक साइड से कटा हुआ है हल्का सा। सो अभी उसके उसको भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार रुको। सो ये बेसिकली ये अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा, ये छोटा सा कट लगा हुआ। सो उसकी मुझे टेंशन भी है कि ऐसा ना हो कि वो कोई दिक्कत क्रिएट हो, बट अभी तक सब सही है। लेट्स सी जो होगा देख लेंगे, चलते हैं अभी। मिल गई टिकट? टिकट ले लिया, कटवा भी लिया उन्होंने अपना। हाँ जी, कटवा 110 रुपये है पर पर्सन, और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो 55 रुपये बाइक का चार्ज है। क्यों? एंट्री की बाइक। अच्छा, बाइक की? बाइक की अपनी आधी महबूबा, लेकिन वही है ना कि कितना आराम भी तो रहेगा, अपनी आधी महबूबा रहती है ना बाइक। हाँ, बाइक तो आधी और 55 उसका आधा टिकट उसका लगता है। सो चलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर 55 एक्स्ट्रा लगे। और सो से अगर आए आप तो 305 रहता है, 305। लेकिन ये है कि इतना चल के जाना वो तो बहुत ही मुश्किल। यहाँ पे जो टैक्सी रहती है वो भी ऑलमोस्ट 110 रुपये लेते हैं। ठीक है ना, फिर तो बाइक ज़्यादा अच्छा, बाइक अच्छा है और अपना बाइक तो एंजॉय करते हैं। हाँ राइट, तो हम टाइम भी वेस्ट ही करते। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्या पता लगी थी कि जो नीचे वाली जगह है जहाँ पे जंगल है, ये सामने वाला है बायोलॉजी का पार्क है, और 5 बजे बंद होता है, बट 5 बजे उसकी एंट्री बंद होती है। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, और ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो है जंगल से ये रास्ता कटता है, और ये रास्ता काट के ये ऊपर चलता है। तो पहाड़ी की चढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा स्टीप है। सो वेलकम टू सज्जनगढ़, नो एंट्री, बाइक एंट्री इधर है। सो ये है बाइक एंट्री जहाँ पे हम बाइक लगाएंगे, उसके बाद कोई अच्छी सी प्लेस ढूंढ के हम ट्राइपॉड को सेट करेंगे। सो फॉर सो गुड, ये सब सही है। सो बेसिकली राजस्थान में सनसेट पॉइंट बहुत सारे हैं, उनमें से जो ये जगह का सनसेट पॉइंट है ये है सबसे बेस्ट। राइट, सबसे बेस्ट यही सनसेट पॉइंट है ना, बेस्ट अल्टीमेट, आपको बहुत मजा आएगा, वर्थ इट है, वर्थ इट है। चलो तो अगर नहीं वर्थ इट हुआ तो मैं पैसा दूंगा। अच्छा, वैसे भी इन्होंने ही दिया। तो चलो चल।
सो ये है सज्जनगढ़ फोर्ट जिसके लिए हम आए हैं। यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। सो लेके चलते हैं और यहीं से सनसेट होगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब सनसेट होता है ना तो पूरी ऑरेंज कलर की लाइन आती है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा लगता है। फिर से ट्रैक करना पड़ रहा है। बहुत मशक्कत करने के बाद यहाँ पे जगह मिल गई है जहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ है। और ये देखो क्या बन रहा है, ये टाइम लैप्स बन रहा है। सो लोकेशन ये है, यहाँ से ये पूरी सिटी है। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये पूरी सिटी है। और हमारे फोटोग्राफर उधर गए हैं। ये सब लोग जो है ना यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये सब लोग सनसेट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक कोई यहाँ से जाएगा नहीं। आधा घंटा लगेगा अभी सनसेट होने में। टाइम था 5:30, 5:30, 5:45 टाइम सनसेट का। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कितने बजे तक होता है। फटाफट से ये शूट हो जाए। मेरे को ये है कि ये वाला शूट आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। अभी 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट में ये सिर्फ 4 सेकेंड का बने। अभी देखो कितनी देर लगती है। यहाँ एक और टाइम लैप्स चल रहा है, अभी मेरे फोन में भी चल रहा था। सनसेट हो गया और व्यू देखो ये कितना प्यारा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। सो देखा देखिए सारे यहाँ पे टाइम लैप्स लगा के बैठे हुए थे, लेकिन मैंने अभी एक भी फोटोग्राफ क्लिक नहीं करी है। सो अभी पहले ना कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करता हूँ। टाइम लैप्स अपना चल रहा है तो ये अभी पूरा रेडिश हो जाएगा, ये पार्ट रेडिश हो जाएगा। सो वो बहुत जबरदस्त लगता है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अरे जबरदस्त, बस थोड़ा सा हैंड शेकी हो रहा है, वो थोड़ा पार्ट था। तो ये तो माउंट आबू में भी करेंगे। सो ये एक टाइम लैप्स था, ये देखो दोबारा चलाना, थोड़ा सा पीछे करना। ये देखोगे ना तो आपको सूरज जाता हुआ दिखेगा पूरा। ये गया पूरा चले गया। सो वर्थ इट। सो देखो वैसे ना मैंने आज उदयपुर रहना नहीं था, मैंने आज जाना था यहाँ से माउंट आबू के लिए। बंदे के चक्कर में रह गया, इसके चक्कर में रह गया। अब ये मेरे साथ रह के कहाँ जाएगा, कहाँ जाना कल है? एक स्पेशल जगह है, वो मैं आपको कल बताऊंगा क्या जगह है। नाम याद है ना, उसको फोन करना था लोकेशन के लिए। यस, तो मैं अभी एक कॉल करता हूँ उनको फोन करके। मैंने लोकेशन मंगवानी है, वो जबरदस्त जगह है, मैंने देखी फोटो। नहीं केलवा नहीं, वो यार। सो सनसेट हो गया है और कुछ टाइम पहले आपने जो यहाँ सब कुछ देखा था ना, अब देखो ये लो। सो बेसिकली सारे यहाँ सनसेट देखने ही आते हैं। जब सनसेट हो जाता है तो वो भी अपना अपने जाके सेट हो जाते हैं, तो वो सारे निकल जाते हैं। सो चले भाई, बंदे को बहुत शौक है फोटोग्राफ्स का, लेकिन जबरदस्त फोटो कोई अच्छे नहीं निकालता, इसलिए मैं 10 सेल्फी निकालता ताकि एक जाके एक मिलती है। सो फोटोज बहुत अच्छी आई है। इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे नीचे लिखा आ रहा है राइडर्स जंक्शन, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो। हमने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कैप्चर करी है फोटोग्राफ। सो जो कश्मीर या स्पीति में कैप्चर करी थी ना, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा अच्छी फोटोज कैप्चर हुई। तो वहाँ की ट्रिप में मेरी इतनी अच्छी कैप्चर नहीं हुई थी। अब यहाँ से आपने स्पेशल फोटोग्राफर हायर किया था ना? यहाँ नहीं, वहाँ भी था एक। हाँ। वो बंदा भाई साहब मेरे को सांस भी ना लेने देता। अभी भी मेरी बात अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी बनी थी ना हमारी।
सो ये एक और व्यू है यहाँ से, ये पूरा सिटी फॉग की वजह से। ओके, सो ये पूरा उदयपुर है, ये पूरा उदयपुर है, ये पूरा उदयपुर है। ये उस देखो, रास्ते से हम वो बाहुबली को गए थे। अच्छा, यहाँ से हम बाहुबली के भी वहाँ से आए थे और ये पूरा रूट है। यहाँ से पूरा पैलेस वगैरह भी दिखता है यहाँ पे, उदयपुर पैलेस वगैरह, बट अभी फॉग की वजह से हमें दिख रही है वो लेक, लेक दिख रही है यहाँ से थोड़ी सी। नजदीक वाला लेक है फतेह सागर, ये देखो ये लेक दिख रही है। सो ओवरऑल वर्क था आज जो मैंने बताया था कि आज जैसा मैंने था, आप गाइस आप जस्ट पाजी से पूछो उनका वर्क था कि नहीं, क्योंकि अरे बिल्कुल बिल्कुल के लिए मैंने मैं वहाँ जा रहा था तो इन्होंने मेरे को दो तीन बार कहा नहीं नहीं रुक जा, मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। सो बिल्कुल वर्थ था यहाँ पे रुकना, अच्छा हुआ मैं रुक गया। लेकिन अब तो अपनी टिकट कैंसिल करवाओ और चलो वहाँ पे। तो कल के लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, मेरे को हमें उस लोकेशन के बारे में नहीं पता था, मेरे जो ये एनसाइक्लोपीडिया को भी नहीं पता था उस बारे में, बट जब देखी फोटोज तो मन करा कि यार यहाँ तो जाना बनता ही है। सो कल हम वहाँ जाएंगे डेफिनेटली जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि ये भी रुक जाए। चलो यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ ये कौन है, महाराज सज्जन सिंह। ओके, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो हम यहीं रहे रात को, रूम दिलवा दो। सो मैं उनको कह रहा था कि हम यहीं रह लेते हैं, रूम दिलवा दो, हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं। निकाल दिया और उन्होंने गेट बंद कर दिया। अरे घर पे कोई है? घर पे कोई है? पिज्जा डिलीवरी आई है आपकी? हाँ ले जाओ, 340 रुपए हो गए पिज्जा डिलीवरी। इसको सहेली की बारी बोलते हैं। सहेली की बारी है या बाड़ी? बाड़ी बारी, जैसे अच्छा। इंग्लिश में र ड करते हैं ना वैसे, टी आर वैसे बाड़ी, यहाँ लोकल में बारी भी बोलते हैं, बाड़ी भी बोलते हैं। सो बेसिकली वो उनके सहेली का स्टे हाउस था। राइट, सो देखो शाहजहां ने क्या किया था, बीबी के लिए ताजमहल। हाँ। भाई साहब ने सहेलियों के भी लिए किया, तो एक कहावत है मेरे सहेली के बीबी अच्छा, के पटाओ तो वो पट जाता। अभी हमारी एग्जिट हो रही है यहाँ से, अभी हमारी एग्जिट हो रही है यहाँ से। ये कौन सी जगह है? सहेली की बाड़ी, सहेली की बाड़ी में एग्जिट हो रही है। सो आप लोगों को अगर ना वीडियो को लाइक कर देना, हमने अच्छे से एंजॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा, नहीं किया तो दोबारा से अगले पार्ट में कर लोगे। कल की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रुक जाए, वैसे कल इनकी ट्रेन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल ये रुक जाए। वो प्रे कर रहे हैं एक्चुअली कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि ये रुक जाए ताकि इनकी ट्रेन ही मिस हो जाए। मैसेज आ जाए कि आपकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। सो उससे क्या होगा कि डंपिंग या कुछ नहीं, बीप कल, हाँ कल बताऊंगे कहाँ जा रहे हैं। सो वहाँ पे जाके आप टाइमलैप्स देखना जरूर, एकदम। हाँ, यहाँ के टाइमलैप्स बहुत अच्छे आए हैं। सो अब क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बड़ा अच्छा था, शेयर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, वेलकम टू जयपुर, उदयपुर, बाय बाय।